दोस्तों पोको X3 स्मार्टफोन का इमेज ऑनलाइन लीक्स हो चुका है और ऐसा माना जाता है कि इस आने वाले फोन को पोको X2 का ही अपग्रेड वर्जन होगा जिसे फरवरी में लॉन्च किया गया था। साथ ही लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो इस फोन को ऑफिशियली तौर पे दिखाने वाले रेंडर्स और स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन लीक्स हो चुके हैं। इसके अलावा फोन के लॉन्च की जानकारी भी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार पोको X3 फोन को 8 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा और इसकी जानकारी MIUI तुर्की की वेबसाइट पे लिख हुई है, लेकिन अगर ध्यान दे तो संभावना ये भी है कि ये लॉन्च डेट तुर्की की हो सकती है। फिलहाल इस मामले में कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। वैसे कंपनी ने भी इस फोन के लॉन्च डेट को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। हालांकि लीक रेंडर की बात करें तो पोको X3 फोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप से लैस होगा, वहीं फोन के फ्रंट पैनल पे सिंगल पंच होल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा पोको X3 फोन को MIUI तुर्की की वेबसाइट पे लिस्ट किया गया है, जिसकी जानकारी सबसे पहले टिप्स्टर ईशान अग्रवाल ने दी है। हालांकि वेबसाइट पे इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है, लेकिन डिलीट होने से पहले टिप्स्टर ईशान ने स्पेसिफिकेशन और रेंडर्स को स्पॉट कर लिया है। टिप्स्टर के अनुसार लीक्स में जानकारी दी गई कि पोको X3 फोन को 8 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। वहीं फोन के रेंडर्स में फ्रंट पैनल पे पंच होल डिजाइन डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि डिस्प्ले के ऊपरी हिस्से में बीचों बीच स्थित है। वहीं पोको X3 के पिछले हिस्से में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कि सेमी कर्व रेक्टेंगुलर शेप में कैमरा मॉड्यूल स्थित है और कैमरे के आसपास लिखे अक्षरों के अनुसार इस फोन में 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरे सेटअप देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों पोको X3 की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732 चिपसेट पे काम करता है और ये स्नैपड्रैगन 732 8 नैनोमीटर चिपसेट पे बेस है। साथ में ग्राफिक्स के लिए एड्रीनो 619 GPU भी दिया गया है। इस फोन में 6.67 इंच की डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे काम करता है। इसके अलावा ये फोन LCD पैनल के साथ देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि रेंडर्स इमेज में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिखाया गया है। वहीं सेल्फी कैमरे की बात करें तो इस फोन में 20 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। साथ में पावर बैकअप के लिए इस फोन में 5160 mAh की बैटरी और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर प्राइस की बात करें तो इस फोन को 20,000 या फिर इससे भी नीचे की प्राइस रेंज में लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो में इतना ही, ऐसे में हम आगे भी अपडेट करते रहेंगे। इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।